तुम कितने बड़े शैतान क्यों ना हो, तुम ये भूल गए हो कि हर औरत के अंदर एक झांसी की रानी होती है। ये झांसी की रानी सिर्फ एक नाम नहीं, एक शक्ति है जिसे अगर ललकारा जाए ना तो बर्बाद करके रख देती है। रुक जाओ, हटो हटो हटो। आप जैसा हैवान इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं। आप हमारी जिंदगी में आए हैं क्यों? तू स्टार नहीं, तू कातिल है। अपने भाई को मारने वाला एक शैतान है। अरेस्ट कर लीजिए इसे। बता रहे हैं। वो छोड़, मयूरा को गर्दन काट देंगे। रुक जाओ, हट जाओ। ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। कार शूट कर, यहाँ गोली चलेगी या मयूरा मरेगी, समझ गया? बिछाट अंदर रख, अंदर रख। ओए ओए नीचे कर, मार देंगे। अंदर रख इसे, छोड़ दो उसे। रिवाज हार मान लो, अब तुम बच नहीं सकते। रिवाज मयूर को छोड़ो। चुप करो, बकवास बंद कर अपनी। जैसे पहले तड़पी थी ना वैसे ही तड़पाएंगे बे। इतनी आसानी से ना मरने वाले हम, हमें बर्बाद करके हमें हमें बर्बाद करके तुझे खुशी खुशी ना रहने दे सकते हैं, समझी? क्या कहा था, आग में जला के मारेंगे, जवान के पक्के हैं बे। अपने आप को पुलिस के हवाले कर। रिवाज क्या कर रहा है बेटा? हार मान जाओ रिवाज। अरे तुम्हारे बचने का कोई तरीका नहीं है। तुम्हारा सच सबके सामने है, चाहे कितना भी भाग लो तुम्हारी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। जी नहीं सकते ना तो तुझे साथ लेकर मारेंगे। बंद करो ये रिवाज। तुम्हारी सजा खत्म होने के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका है। तुम्हारी अम्मा है, बेटी है, सोचो सबके बारे में। सरेंडर कर दो, बंद करो ये पागलपन। हमारी नहीं हो गई ना, किसी की नहीं होने देंगे। किसी की नहीं होने देंगे। ओए रिवाज ना कर। Hey, पीछे। जय दुर्गा। चाहते हैं
तुम्हें पाना चाहते हैं। I love you. अब ना छोड़ेंगे। तुम्हारे डियर हस्बैंड राघव के शरीर में एक क्यूट सा चिप लगा दिया गया है। एक बटन दबाओ और आपके प्यारे हस्बैंड स्वर्गवासी हो जाएंगे। अगर मुझे पता होता कि आप रिवाज भाई नहीं राम भाई हैं तो मैं आपसे बदतमीजी कभी नहीं करती। कुछ नहीं होता, भूल जाओ जो हुआ है। ये अपनी नई शुरुआत है। अब अपनी बहन को ना खुश देखना बस। हाँ 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 भाई, खुशी के मौके पे याद आया, एक आइसक्रीम हो जाए। अब माफी मांगते हैं हम भांजे जी। वो मेरे कहने का मतलब है कि नए भांजे जी के साथ मामा भी नया बन जाएगा। पड़े ओ बेटे मामे, ओ पता है तेरी सजा क्या है? हाँ भाई। अब तेरे को ना तेरी आइसक्रीम से मुझे खिलाना है। चल खिला। ले भाई। नहीं माँ, नहीं, खोल। माँ आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज दरवाजा खोले। प्लीज कुछ मत कीजिए माँ, प्लीज। काश ना की होती, पर हमने जो गलती की उसकी सजा राघव को मिली। जिस आग में हमारा रिवाज जला, उस आग को चिंगारी हम दिए। एक आदर्श माँ का फर्ज निभाते तो इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद ना होती। बर्बादी की वजह हम हैं और जे हमारी खत्म होने से ही खत्म होगी। हाँ नहीं नहीं ऐसा मत कहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने अपनी गलती मान ली ना, वही बहुत बड़ी बात है। देखिए इस सब के बावजूद भी आपका परिवार आपसे कितना प्यार करता है, सब आपको अपनाने के लिए तैयार है। प्लीज बाहर आ जाइए, इसे नजरअंदाज मत कीजिए प्लीज। रानी रानी मुझे माफ कर देना। हाँ हमारी गलतियों की सजा तुम्हें अपनी खुशियों से चुकानी पड़ी। कैसे जिएंगे हम? हाँ हर सांस इसी पश्चाताप में जीना पड़ेगा। कुछ नहीं बचा हमारी जिंदगी में अब। अच्छा यही होगा कि हम अपने आप को खत्म करते। ऐसा मत कहिए, सुनिए रिवाज की बेटी है, शिवराज अंकल है। और मैं तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता ना। माँ माँ दरवाजा खोलना, मुझे पता तूने अपना बेटा खोया है। तू सुन रही है ना माँ? माँ मुझे पता है तेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन तूने एक बेटा खोया तो दूसरा पाया ना माँ। कुछ ही दिन सही, लेकिन तेरा प्यार मुझे मिला। रिवाज के लिए था पर सच्चा था।
सच्चा था माँ, मैंने पहली बार जाना कि माँ का प्यार क्या होता है, उसकी ममता को जाना जिससे पर इस दुनिया में कुछ नहीं है माँ। माँ देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, माँ सुनना, माँ दरवाजा खोलना प्लीज, माँ इतनी मुश्किलों के बाद तो प्यार मुझे नसीब हो सकता है। मुझसे हक मत छीनना माँ, प्लीज माँ, माँ माँ मेरी गलती क्या है, पैदा होते तुझसे दूर कर दिया, जिंदगी भर अपनी पहचान अपने लोगों के लिए तड़पता रहा माँ, माँ भगवान ने एक मौका दिया है, प्लीज माँ मुझसे मेरी खुशियां मत छीन, माँ तुझको माँ बोलने का हक मुझसे ना छीन, माँ मैं तेरा रिवाज नहीं, तेरा बेटा राम तो हूं ना, एक बार शान बोल के दिखाना। अब शान। ने बताया कि दादी और रुक्मिणी यही है, पर वो मुझे पहचानते नहीं है। चेहरा नहीं जानते ना, दिल तो पहचान लेंगे, तू जा, चल मैं हूं ना तेरे साथ। क्या है रुक्मिणी घर पर नहीं है, बाद में आना। एक मिनट मैम, मैं वेट कर लूंगी। क्यों, मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं एक मिनट, थोड़ी देरी लगेगी मैम। अरे लड़की क्या कर रही है, निकलो मेरे घर से। ये कौन है, पहचानती हैं आप? क्यों नहीं जानूंगी, ये हमारी पोती है रानी, और ये उसका आदमी राघव, लेकिन दोनों अब नहीं रहे। राघव इस दुनिया में नहीं है। ये क्या कर रही है? आपकी रानी जिंदा है। बकवास बंद कर और जा मेरे घर से। दादी दादी
आपको याद है दादी कि रानी ने बिना किसी को बताए शादी कर ली थी जब वो रुक्मणी दी के घर में रहती थी। जैसे आपको पता चला था आप दोबारा उसकी शादी करवाना चाहते थे सबके सामने। हम लोग साथ में अपने घर में रहेंगे। बस रुकुनी का इंतजार करते हैं। आप अभी आराम कीजिए, ठीक है? दुर्गा माँ, थैंक यू सो मच मुझे मेरी फैमिली से मिलवाने के लिए। अब मैं अपने आने वाले घर की शुरुआत अच्छे से कर सकती हूँ। थैंक यू तेरा भी यार मेरी लाइफ गार्ड बन के आने के लिए। थैंक्स टू यू टू मेरी फैमिली से मुझे मिलवाने के लिए। तो क्या प्लान है? मेरी फैमिली बनने का इरादा है कि नहीं? कह रहे हैं हील होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई नहीं यार, मैं समझ सकता हूँ। मेरा चेहरा देख के तेरे को सारी पुरानी यादें याद आ जाती होंगी, है ना? ओ मकोड़ा, मैंने तुझे बहुत खुश देखना चाहता हूँ। मेरी वैसे दुखी नहीं यार। कोई नहीं, सुनो। इतनी जल्दी हार मान गए? तुम्हारे चेहरे में ऐसी कोई भी बात नहीं है
जिससे मुझे प्रॉब्लम हो, सीरत सूरत से बड़ी होती है, और आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी मंजिल मिल पाई। इनफैक्ट हम दोनों को क्यों ना मिलकर एक बेहतर कल की तैयारी करें। ओह मकोड़ा, जट से बढ़िया ना दोस्त नहीं मिलेगा तेरे को, बता रहा हूँ। आजा।